बिहार में चुनाव होने वाला है और ऐसे समय में सरकार ने लोगों को मनाने का विचार किया है। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले बहालियों की झड़ी लगा दी है। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को ही यह घोषणा कर दी थी कि शिक्षकों के साथ साथ नर्सों, चिकित्सकों और खिलाड़ियों की भी भर्ती की जाएगी। अब ऐसे में ये बताना भी जरूरी है कि बिहार के कुछ खास नौकरी करने वाले तबके को नीतीश कुमार फिलहाल मनाने में जुट गए हैं। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार आ चुकी है। प्रदेश में चुनावी वर्षों में विभिन्न विभागों में लगभग 50,000 खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति समेत 4,997 नर्सों और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ साथ 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति भी की जाएगी। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को झंडोत्तोलन के बाद समारोह को संबोधित करते हुए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय शिक्षकों की नई सेवा शर्त शीघ्र लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन शिक्षकों की बेहतर सेवा शर्त के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है, इसे शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। इन शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि का भी लाभ दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने घोषणा की कि ग्राम पंचायतों में नए स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाएगा। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक माह के अंदर अधिसूचना भेज दी जाएगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि राज्य में 4,997 नर्सों और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों के द्वारा प्लाज्मा दान करने पर हर एक को 5,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति शीघ्र होगी। कास्ट आधारित उद्योगों के विकास के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसकी नीति भी शीघ्र तैयार कर दी जाएगी। इसके बाद सीएम नीतीश ने 11 टुकड़ियों की परेड की सलामी भी ली। आपको बता दें कि गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने झंडोत्तोलन किया, जिसके बाद उन्होंने ये सभी घोषणाएं बिहार के लोगों के लिए की। कोरोना संकट काल की वजह से गांधी मैदान में इस बार झांकियां नहीं निकली, स्कूल कॉलेजेस बंद थे। यहीं से नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में बिहार के लोगों के लिए खास बातें कही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अपने वादों को कब तक पूरा कर पाते हैं, या फिर इसे भी चुनावी बयान तो नहीं करार दिया जाएगा। बहरहाल नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। नीतीश कुमार के फैसले के बाद कभी उनके सहयोगी रहे जीतन राम मांझी ने भी उनका समर्थन किया है।